एक बार फिर देश के अंदर कोरोना जैसा हाहाकार मचा हुआ है और इस बार कोरोना वायरस से नहीं बल्कि वैक्सीन से मचा हुआ है। जहां वैक्सीन को लेकर विपक्ष देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। अपने ट्वीट अकाउंट में वैक्सीन का साइड इफेक्ट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही बता रहे हैं। उन्होंने कोविशील्ड नाम की एक कंपनी को वैक्सीन का ठेका दिया। जनवरी 2021 में यह ठेका दिया गया और 1,10,00,000 डोज इस कंपनी से मांगी गई। उसका दाम रखा गया 150 रुपए। उसके बाद जब वैक्सीन मार्केट में आई तो दुनिया के कई हिस्सों में हाहाकार मच गया। कुछ विपक्षी नेताओं की खाली आदत है कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसी आदत के तहत जब कोरोना फैला तो उन्होंने कहा पूरा भारत में लोग मर जाएंगे, देश हमारा बर्बाद हो जाएगा। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी ट्वीट करने की कोशिश करी, देश के लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास को डिगाने की कोशिश करी। लेकिन जब मोदी ने टीका दिया, फ्री टीका दिया, देश के करोड़ों करोड़ लोगों की जान फ्री में बचा दी, वो लोग अचंभित हो गए। उस समय भी उन्होंने ये ड्रामा करा, ये टीका मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मोदी जी ने सबसे पहले आके वैक्सीन का टीका लगाया, लोगों ने उसको तरसा। और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हमारे जहां विकसित देश परेशान हो गए, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई, भारत अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं और तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ चल रहा है। आज 2 साल से ज्यादा हो गई कोरोना को समाप्त हुए भी, और अब जाकर उन्हें पता लग रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं कि वो होना चाहती हैं। लेकिन मित्रों, अगर कुछ बात होती, मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि यदि इसके दुष्प्रभाव आने वाले होते तो 6 महीने में आ जाते। लेकिन जैसे एस्ट्रोजेनेका ने कहा कि 10,00,000 में से 1 लोगों पे इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ये तो हर दवाई पर, यदि मैं अगर ब्लड प्रेशर की दवाई भी खा रहा हूं तो उस पर भी लिखा रहता है। तो इन बात को बतंगड़ ना बनाकर चीजों को समझने की कोशिश करें, देश के विकास में ध्यान दें। हर बात के लिए मोदी को दोष देना और तारीफ करना नहीं, ये विपक्ष की हताशा को दर्शाता है।